अमेरिकन मीडिया या वेस्टर्न मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है दुनिया को, अपनी औकात, अपनी शक्ल। इनसे ये पूछें कि ये उस वक्त कहां मरे हुए थे जब चचनिया के अंदर यूक्रेनियन मार रहे थे, उस वक्त ये कहां मरे हुए थे जब जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक में गए और वहां जाके एंड में कहा जी कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, और जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की लूटिंग, हमारी मुसलमान औरतों के रेप किए गए, इराक की दीवारों पे लिखा गया, औरतों ने लिखा कि अगर तुम मुसलमानों बंदूक की गोलियां नहीं दे सकते, कम अज कम हमल गिराने की गोलियां तो प्रोवाइड कर दो। शर्म की बात, लानत की बात थी मुसलमान लोगों के ऊपर, उम्मत मुस्लिमा पर उस वक्त। ये वेस्टर्न मीडिया कहां था, CNN किधर था, BBC किधर था, कहां थे ये, दफा हो गए थे उस टाइम? उस टाइम क्यों नहीं भौंके थे कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो मर रहे हैं, मासूम बच्चियां मर रही हैं, औरतों के रेप हो रहे हैं, खानदानों को उड़ाया जा रहा है, आंखों के सामने, निगाहों के सामने उड़ा दिया जा रहा है, मैस ग्रेव्स जो है डिस्कवर हुई हैं, उस वक्त ये कहां था? CNN और BBC और यूरो न्यूज, फ्रांस न्यूज किधर थे, कहां थे उस टाइम? आज तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है कि यूक्रेन जो है ये अंडर अटैक हो गया है, छोटा सा पटाखा फूटे तो CNN में न्यूज आ जाती है और साइमल्टेनियसली आती है, CNN भी वही बकवास करता है, फिर वो BBC भी वही बकवास करता है, एक दूसरा बांसुरी है, ये एक टोन है, उस टोन के ऊपर सारे डांस कर रहे हैं। कहां गया वो? बड़ी तकलीफ होती है तुम्हें, पुतिन ने बोला था ना, व्लादिमीर पुतिन ने बोला था ना कि जब इराक पे कब्जा किया था तो उस वक्त क्या जस्टिफिकेशन थी? जो फिलीपींस का जो सदर है, प्रेसिडेंट है, उसने पूछा ना जब इराक पे कब्जा किया तो उस वक्त कहां थी इंसानियत? लिबिया में जो सारा मामला जो खराब करके डिटेरियोरेट करके तबाही मचा दी है, कहां थे वो? उस वक्त कहां था इंसाफ? उस वक्त क्यों नहीं मीडिया CNN बोला था? जब सीरिया के अंदर छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे उस वक्त क्यों नहीं कोई बोला? बोस्निया के अंदर जब बच्चे मरे थे क्यों नहीं कोई बोला? चचनिया के अंदर मरे थे यूक्रेनियन सोल्जर्स के आते क्यों नहीं कोई बोला? ये जो अभी रिसेंटली बर्मा में जो हुआ, 40-50 हजार की आर्मी नहीं थी बर्मीनियज आर्मी, उसके साथ जो एट्रोसिटीज और जुल्म हुए, क्यों नहीं मीडिया बोला उस टाइम? अब क्यों बोल रहा है? क्या तकलीफ है? इसका मतलब वाज़े यही मैसेज है कि तुम लोगों को सिर्फ अपने लोगों की परवाह है। दिस बैटल, दिस वॉर इज अगेंस्ट इस्लाम। मुसलमान के खून की कीमत आज 2% की नहीं है। दिस इज द क्रक्स एंड दिस इज द हार्ट ऑफ द होल मैटर। यही असल जड़। जब मुसलमान वो, जिससे अलामा इकबाल ने मेरा ये हाल, बूट की टो चाटता हूं मैं, उससे ज्यादा आपकी हैसियत नहीं कि मेरे फर्ज पे भी आके ना रही। आज जो हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड और डबल फेस्ड वेस्टर्न मीडिया हरकतें कर रहा है, ये इन्हीं के खिलाफ एक बहुत बड़ा काउंटर होगा वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि अब लोग बोल रहे हैं कि रूस ने तो तुम्हें इतना तक बोल दिया कि आओ हमारे हमारे मुल्क आ जाओ, हम तुम्हें पनाह देते हैं, तुम लोगों ने इराक में क्या किया? तुम्हारा तो अमेरिकन सोल्जर जाके हमारी औरतों का रेप करता, मुसलमानों का। अबू ग़रीब प्रिजन में तुम लोगों ने क्या किया? हरकतें नहीं की, साथ ब्रिटिश और साथ फ्रेंच, गुस्ताख रसूल, घटिया तरीन, घटिया सुअर खाने वाले लोग, ये लोग सारे उस वक्त क्या कर रहे थे? मैं बताता हूं कि जो जो मैं हमेशा ये बात कहता हूं, बताता हूं क्या क्या नहीं, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो सबसे जेन्युइन किस्म का प्रेसिडेंट था अमेरिका का। ये जो बाइडेन तो पपेट है, इसका तो अपना कोई इनिशिएटिव ही नहीं है, ना 3 ना 13 में बुढ़ा, उसको को पूछता है कोई नहीं। लेकिन अब जो तकलीफ जो है ना वो यही है कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं ना, मकरो व मकर अल्लाह। ये चूंकि आई तो इस्लाम के पर्सपेक्टिव पे, लेकिन यहां पर भी मैं अप्लाई कर सकता हूं इस एतबार से कि उन्होंने तदबीर की थी ना रूस के खिलाफ, उसकी तदबीर अल्लाह ने पूरी कर दी। अल्लाह पाक का भी बड़ा अच्छा निजाम है, जब इंसान अपनी हरकतों से आगे जब चला जाए ना, तो अल्लाह पाक आपके जो दुश्मन है ना, उन्हीं से आपको सबक सिखा देते हैं। यही धौंस जमाते थे ना यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम पर कि बिफोर इब्राहिम ये था वो था, इब्राहिम से तुम नहीं थे पहले, तुम बाद में आए इब्राहिम से, धौंस जमाते थे यसू अल मसीह को। तो उन्होंने बोला था ना कि बिफोर इब्राहिम आई वॉज देयर, और उन्होंने कहा कि गॉड वॉन्ट्स टेक द वर्क, इवन कैन रेज स्टोन्स अनटू इब्राहिम। कि इब्राहिम की धौंस क्यों जमाते हो? खुदा तो किसी स्टोन पत्थर दिल इंसान से भी काम ले सकता है। तो ये आज अमेरिका यूरोप का जवाल आ रहा है, और मुसलमान जैसे कि हमेशा बैठा रहता है, एक पींग ले रहा है, पींगों में बैठा हुआ, वो पींग भी इनकी कट जाएगी ऊपर से।
क्योंकि ये सबके लिए अलार्मिंग प्रोपोर्शन है। और याद रखिएगा एक बात, मैं किसी की साइड पर नहीं हूं, ये मत समझिएगा कि मैं प्रो रशिया हूं और अगेंस्ट यूक्रेन हूं। मैं ये बात कर रहा हूं यहां पर कि उस वक्त मीडिया किधर था, क्या मुसलमान की कोई कीमत नहीं? फलस्तीन के अंदर कितने साल गुजर गए हैं, सदियां गुजरी, हड्डियां गल गई हैं उन मजलूमों की जो इसराइल ने आके एनेक्सेशन की थी। जब इसराइल ने आके एनेक्सेशन की थी कहां गया था मीडिया? सीएनएन बीबीसी किधर था उस टाइम? नहीं था क्या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, ये चैनल कहां थे? ये सारे लोग मर गए थे, इनको सांप सूंघे हुए थे। क्यों? क्योंकि इनके यहां पर इंटरेस्ट थे। यह है पावर पॉलिटिक्स, यहां कोई किसी का नहीं है। ये जो स्टंट, जो शो स्टंट मैन जिसको मैं कहता हूं, ये जो यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर है, ये जो स्टंट कर रहा है ना इस सारे शो बिज, इसने कुछ नहीं करना। इसको पता है, इसको पता है अंदर ही अंदर कि वी लॉस्ट द गेम। सिर्फ पब्लिक स्टंट, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज व्हाट यू सो नाउ यू आर रीपिंग। ये तुम्हारे बोए हुए बीज है, ये तुम्हारी करतूतें हैं जो तुम्हें अब खुदा तुम्हारी तरफ आएगा। तू वैसे भी यहूदी है, तू तो वैसे यहूदी है, लेकिन हम फिर भी इस बात को इग्नोर करते हैं। लेकिन हम अल्लाह ताला की, यही मैं बता रहा हूं ना कि अल्लाह ताला कभी कभार, जरूरत नहीं है हमारी, क्या पता कल मुस्तकबिल को रूस मुसलमान हो जाए। तरतारी भी तो मुसलमान हो गए थे ना, बगदाद में बैठे थे मुसलमान, अंडों पर डिबेट कर रहे थे, रोटी गैर खमीरी थी कि खमीरी थी, लास्ट सफर में कि एक कलम की नोक पे कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। ये बहसे मुबास इल्मुल कलाम की चल रही थी ना बगदाद में, कि जब तातार आए थे और सीज ऑफ बगदाद हुआ था जंगेश खान के हाथों, 1 करोड़ मुसलमान मरा, उनकी सिरियां काट के रख दी और पहाड़ बना के उसने टॉप पे बैठ के शराब पी। ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन जब कुत्ते की बारी आती है ना, एवरी डॉग हैज इट्स डे, जब किसी कुत्ते की बारी आती है तो फिर ये बड़ा बुरा होता है। फिर अल्लाह ताला की जात नहीं देखती, खुदा को क्या, खुदा तो पत्थरों से भी काम ले लेता है। क्या पता रूस पूरा मुसलमान हो जाए और जो मुसलमान है अल्लाह ताला इनको सजा दे दे। जस्तब दिल कौम इन गैरकुम सम्मा ला यकून अमसालुकुम, इफ यू डू योर स्टफ निगर्डली अल्लाह विल सब्स्टिट्यूट यू विद अनदर नेशन एंड दैट नेशन विल बी नेवर लाइक यू। तुम्हारी तरह होगी नहीं वो नेशन, बिल्कुल फर्क होगी, उनके अंदाज फर्क होंगे, उनके फामला वही होंगे जो असल तौहीद और खिलाफत के निजाम के ऊपर बुनियाद होगी, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट ये है कि कहां था मीडिया उस टाइम? फलस्तीन की बच्चियां अपने, जो यूक्रेन के अंदर एक बच्चा मर रहा है तो उस पर कितना शोर, हमारे यहां ग्रेव्स बन गई हैं, मिलियंस ऑफ ग्रेव्स बन गई हैं, तुम लोगों ने क्या किया, कहां था मीडिया सारा? देखिए मैं फिर ये बात रिपीट कर दूं, मैं कतअन सपोर्ट में नहीं हूं कि सिविलियंस को मारा जा रहा है, छोटे बच्चे, ये सारे उम्मत मुस्लिमा है, ये मुसलमान की उम्मत है, नबी की उम्मत है, दावत की उम्मत है, इसको दावत की उम्मत कहते हैं, लेकिन चूंकि इस्लाम ने कबूल किया, लेकिन उम्मत रसूलुल्लाह की है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आखिरी नबी वही है, उनके बाद किसी ने आना ही नहीं। ये बच्चे तो मुसलमान है जो डिस्क्रिप्शन से पहले इंतकाल कर रहे हैं, मर रहे हैं, इसके बिल्कुल मैं खिलाफ हूं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, जब इसराइल ने एनेक्सेशन पैलेस्टाइन की थी तो स्वयं मीडिया किधर था? अब यूक्रेन की एनेक्सेशन पे तो बड़ी तकलीफ है, हाशिए इकट्ठे कर करके लिखे हुए हैं कि इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, व्हाट हैपेंड व्हेन देयर वाज इन्वेजन इन पैलेस्टाइन? उस वक्त क्या हुआ था जब दारुल खिलाफा फलस्तीन का उठा के इसराइल को दे दिया, पैलेस्टाइन तुमने कह दिया यरूशलम, उस वक्त कहां था मीडिया? उस वक्त कहां थी जब एक एक बर्बरियत तुम लोगों ने लिबिया में की, बर्बरियत इराक में की, बर्बरियत तुम लोगों ने फलस्तीन में की, सीरिया में की, कौन से मुल्क छोड़े हैं मुसलमानों के, मिडल ईस्ट का नक्शा तबाह करके रख दिया, उस वक्त मीडिया क्यों खामोश था? जब औरतों के रेप हो रहे थे उस वक्त मीडिया क्यों खामोश था? जब छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे कत्ल किए गए थे, वो सीरिया में एक बच्चा मरा था, साहिलों पे आके पूछे उन्होंने रोते थे, वो भी तुर्की के साहिल पे आके पूछा था, रेड कलर का बच्चा जो मरा पड़ा था, अस्तगफुरुल्लाह। उस वक्त क्यों नहीं मीडिया भौंका था? उस वक्त क्यों नहीं वो पोटेंशियल दिखाई थी यूएन ने? यूएन क्यों सो रहा था उस टाइम? क्योंकि भाई असल बात है, द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, जूता पहनने वाले को पता होता है कि जूता कहां चुभ रहा है। तो असल में पॉइंट सारा ये है।